हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कतर की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों समसम CNT कंपनी। तो दोस्तों इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये कंपनी कैसा है कतर में, इस कंपनी में फैसिलिटी कैसा है, इस कंपनी में वर्कर को कोई मुश्किल तो नहीं होता है, टाइम पे सैलरी तो मिल जाता है, और उस सारी जानकारी इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों अब तक पहले पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके आता रहता हूँ ताकि कोई भी भाई सप्लाई कंपनी में न फंस सके। दोस्तों चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कतर की समसम CNT कंपनी के बारे में। दोस्तों कतर की समसम CNT कंपनी जो है सन 1938 में बनी थी, यानी इसकी स्थापना दोस्तों सन 1938 में हुई थी। दोस्तों आप लोगों को बता दें समसम CNT कंपनी की जो हेड ऑफिस है ये साउथ कोरिया में है, यह एक कोरियन कंपनी है और यह एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है। इसका काम दोस्तों बहुत सारे कंट्री में चलता है। इस कंपनी का काम दुबई में, सऊदी में, बहरीन में, दोस्तों और भी बहुत सारे कंट्री में इसका काम चलता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस कंपनी में लगभग कतर में कितने आदमी काम करते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि इस कंपनी में लगभग 10,000 प्लस से ज़्यादा आदमी इस कंपनी में काम करते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि कतर की समसम CNT कंपनी कतर में काम क्या कराती है, तो आप लोगों को बता दें ज़्यादातर दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन लाइन की काम कराती है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में काम कराती है, पाइपलाइन का काम कराती है, सोलर प्लांट का काम कराती है। दोस्तों अगर कतर की समसम CNT कंपनी में कोई फ्रेशर नया बंदा अगर इस कंपनी में आता है तो उसका दोस्तों 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 साल का एग्रीमेंट में 2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, 2 महीने का लिप सैलरी मिलेगा दोस्तों, आने जाने का टिकट मिलेगा अगर 2 साल के बाद अगर कोई बंदा जाता है तो। दोस्तों इस कंपनी में हेल्पर की सैलरी कितना लगता है, तो आप लोगों को बता दें इस कंपनी में हेल्पर की सैलरी 1,000 रियाल दोस्तों कतर का लग जाता है। तो इस कंपनी में दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर कारपेंटर हो, मेसन हो, स्टील फिक्सर हो, ये लोग की सैलरी दोस्तों 1200 रियाल से 1400 रियाल के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस कंपनी में ओवर टाइम की बात किया जाए तो मैक्सिमम इस कंपनी में 2 से 3 घंटा ओवर टाइम मिल ही जाता है और फ्राइडे यानी जुम्मा भी मिल जाता है। दोस्तों इस कंपनी की खाने की बात किया जाए तो दोस्तों इस कंपनी में फ्री फूड रहता है। दोस्तों इस कंपनी में खाना बना के नहीं खाना है, आप लोगों को खाना कंपनी प्रोवाइड कराती है, सुबह का नाश्ता, लंच का खाना और रात को खाना। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस कंपनी में सुविधा क्या मिलता है, तो दोस्तों इस कंपनी में मेडिकल इंश्योरेंस दोस्तों सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है। जो भी सुविधा है दोस्तों कतर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कंपनी को देना चाहिए ये कंपनी देती है। और इस कंपनी में बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर, तो दोस्तों इस कंपनी में सैलरी पेंडिंग में नहीं रहता है, हर महीने टाइम टू टाइम दोस्तों इस कंपनी में सैलरी मिल जाता है। अगर दोस्तों इस कंपनी से अगर आप लोग इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं तो दोस्तों इस कंपनी में आप लोग इमरजेंसी छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोग को टिकट अपना खुद लेना पड़ेगा अगर 2 साल से पहले आप लोग जा रहे हैं तो। दोस्तों बाकी अगर 2 साल के बाद आप जाएंगे तो आप लोगों को कंपनी की तरफ से टिकट मिलेगा। तो दोस्तों जितनी जानकारी थी इस कंपनी के बारे में मैंने इस वीडियो में दे दी, और भी भाई जो भी कतर में रहते हों या जो भी भाई इस कंपनी के रिटर्नर हों उनके पास कोई भी जानकारी हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें ताकि और भी भाई लोगों का हेल्प हो सके। दोस्तों अगर इस कंपनी का इंटरव्यू कहीं चले तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका है, जाना आपको है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने मित्र हो से या कोई रिलेशन वाला या कोई भी हो जो भाई रिटर्नर हो उसे पता करें, पता करने के बाद ही इंटरव्यू दें। ये नहीं कि मैं वीडियो में बता दिया तो मेरे ही वीडियो देख के आप लोग इंटरव्यू दें। दोस्तों आप लोग अच्छे से पता करें, समझ में आए तो इंटरव्यू दें, नहीं तो नहीं दें, क्योंकि जाना आपको है तो डिसीजन आपको लेना है, तो आप लोग सोच समझ कर इंटरव्यू दें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नया चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।